अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सबसे पहले तो आप सबको सुबह बखैर। तो कल की वीडियो में दोस्तों, कबूतर को पकड़ने की कोशिश थी हमारी, लेकिन कबूतर नहीं आया था। और अब सुबह का टाइम है दोस्तों, कबूतर छत के ऊपर बैठा हुआ है। मैं बैक कैमरे के साथ आपको दिखाता हूँ, और कबूतरी मैंने दोस्तों उधर ही बिठा दी है जहाँ पर कल मैंने बिठाई थी। दुआ कीजिएगा कि कबूतर दोस्तों पकड़ लें आज और अपने डरबे में वापस आ जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो बैक कैमरे के खोलने से पहले ही दोस्तों कबूतर हमारा आ चुका है, और साथ में जंगली भी आ चुका है। तो ये देखें जी, कबूतरी लाने का फ़ायदा। कबूतर ने जो ही देखा वो नीचे आ गया और मस्ती करना शुरू हो गया है। तो अब मुझे लगता है दोस्तों, कबूतर हमारा कहीं नहीं जाने वाला। माशाल्लाह से जिन भाइयों ने मुझे मशवरा दिया था उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, कबूतर आ गया और साथ में जंगली कबूतर भी लेकर आ गया दोस्तों। शायद ये मादा वो है जो इसके साथ लगी हुई है। पहले अगर मैं इस तरह से कबूतर के करीब जाता था तो फ़ौरन उड़ के चला जाता था, कोई लिफ्ट नहीं कराता था। लेकिन अब मैं इसके करीब आया हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी ये सुकून से मस्ती कर रहा है कबूतरी क्योंकि साथ है। कबूतरी का भी रिस्पॉन्स अच्छा है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि कबूतर के साथ जोड़ा बनाना चाहती है अभी से ही। दोस्तों देखें ज़रा, कबूतरी कबूतर के बार बार पास जा रही है। और ये देखें जी, जंगली कबूतर, ये कन्फर्म दोस्तों इसके साथ हमारे कबूतर का जोड़ा बना हुआ है। ये जंगली जो कबूतरी है, ये बार बार हमारे घर आ रही है, कबूतर के पास आ रही है। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जंगली कबूतर किसी इंसान के साथ होते हुए आके बैठ जाए दीवार के ऊपर, ये बहुत ही कम होता है। कबूतर दोस्तों फिर ऊपर चला गया है, कबूतरी नीचे है। तो क्या लगता है आपको, वापस आएगा दोस्तों या नहीं आएगा? वेट करते हैं। ऊपर चला गया ये। मैं ज़रा आवाज़ निकालता हूँ दोस्तों, जिस तरह से एक कबूतरी कबूतर को बुलाती है उस तरह से कोशिश करता हूँ, शायद आ जाए। अब दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि कबूतरी को यहाँ से उठा के नीचे इधर इधर फर्श पर मैं इसको छोड़ दूँ। तो कबूतर आता है यहाँ पर बैठेगा, कबूतरी के तो पर कटे हुए हैं। ये देखें जी, कबूतर आ गया ऊपर वापस। तो दोस्तों कबूतरी मैंने पकड़ ली है, ये फिर नीचे चली गई थी। पकड़ने के दौरान क्या हुआ था कि इसने छलांग मार दी, तो जिसकी वजह से फिर काफ़ी काम बढ़ गया मेरा। तो दोस्तों अब मैं इस कबूतरी को अपने सहन में छोड़ता हूँ, कबूतर इसको देखेगा और फिर आएगा। कबूतर बैठा ऊपर हुआ है दोस्तों, लेकिन फ्रंट पे नहीं है, बैक पे है। तो इसको उस टाइम दोस्तों छोड़ेंगे जब कबूतर फ्रंट पे आएगा, ठीक है? अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो कबूतरी पता नहीं किस कोने में बैठ जाती है और कबूतर की नज़र नहीं पड़ेगी। फ्रंट पे आ जाए दोस्तों, फिर कबूतरी को हम छोड़ते हैं। फिर वो देखें सामने मस्ती कर रहा है, ये देखें आ गया फ्रंट पे बिल्कुल। इंशाल्लाह दोस्तों कबूतरी को देख के कबूतर नीचे आएगा, अपने घर दोबारा आएगा। तो कोशिश जारी है दोस्तों, सुबह का टाइम है, अभी कबूतर नहीं उड़ के जा रहा। वजह यह है कि उसने कबूतरी को देख लिया है, बैठा उधर ही हुआ है, आएगा नीचे दोस्तों आखिर। इसको पकड़ेंगे आज। तो काफ़ी टाइम गुजर गया है और कबूतर वापस उड़ के चला गया था। तो यहाँ पर अब दोस्तों बैठा हुआ है, पहले सामने वाली टैंकी पर बैठा था, फिर दूसरी बिल्डिंग पर ऐसे गया, और अब ये सामने आपके सामने ये बैठा हुआ है हमारा। यहाँ पर बिठा दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बिठा दिया है अपने इस डरबे के ऊपर, ठीक है? तो अब देखते हैं कि कबूतर आता है या नहीं आता। तो दोस्तों कबूतर वापस घर आ चुका है, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मैंने काफ़ी कोशिशें की, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका था, लेकिन कोशिश मैंने अपनी पूरी की थी। और फिर मैंने क्या किया था कि कबूतरी को सामने इधर बिठा दिया था, इस अपने बड़े डरबे की छत के ऊपर, ठीक है? कबूतर फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर आगे कबूतरी के साथ बैठ गया। अभी नीचे भी आया था, पानी पिया इसने, ये देखें अभी भी कबूतर छोटे डरबे पर बैठा हुआ है और कबूतरी ऊपर बैठी हुई है। देखें कबूतरी के पास कबूतर चला गया है, आए ज़रा देखें दोस्तों। तो मेरी कोशिश है दोस्तों कि कबूतर अपने नीचे डरबे में चला जाए, और मादा के दरअसल बड़ कटे हुए हैं दोस्तों, और फर्स्ट टाइम वो छत के ऊपर बैठी हुई है, वो नीचे खुद नहीं जाएगी, इसको पकड़ के नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी टेंशन बन गई है, क्योंकि अगर हम मादा को पकड़ने जाएंगे तो कबूतर उड़ जाएगा, और अगर हम कबूतर को दोस्तों पकड़ेंगे तो कबूतर साफ जरे उड़ के चला जाएगा। दोनों ही रिस्की काम है दोस्तों, मादा को भी नहीं पकड़ सकते हम, कबूतर को भी नहीं पकड़ सकते। Thank you.
तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से आखिर कबूतर और कबूतरी दोनों नीचे आ गई हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा था शायद कबूतर उड़ जाएगा और फिर मैं कबूतरी को पकड़ के नीचे छोड़ दूंगा, लेकिन दोस्तों कबूतर भी साथ बैठा रहा काफ़ी टाइम गुजरने के बाद और कबूतरी भी साथ ही थी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर ऊपर गया, कबूतर को डराने की कोशिश की कि शायद नीचे जाए। मेरे दिल में खौफ था कि उड़ जाएगा, 50-50 था, लेकिन कबूतर दोस्तों माशाल्लाह से छोटे डरबे पर बैठ गया। मैं जब ऊपर गया और कबूतरी को फिर मैंने डराया, नीचे आ गया वो कबूतर, माशाल्लाह से कबूतर और कबूतरी दोनों अब नीचे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुका हूँ। थोड़ा सा अभी रहता है मिशन, थोड़ा सा क्या रहता है कि डरबे में कबूतर जाएगा तो फिर तसल्ली होगी कि बस भाई अब हमारा कबूतर वापस आ गया, फिर उसकी मैं कली निकालूंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, तो दोस्तों अल्लाह करेगा कि कबूतर अपने डरबे में चला जाएगा। जो ही डरबे में दोस्तों जाएगा तो मैं दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लूँगा। हाँ तो दोस्तों कबूतर ऐसे नहीं जा रहा अंदर, मैं कबूतरी को पकड़ता हूँ, कबूतरी को डरबे में रखते हैं, कबूतर फिर उसको देख के अंदर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कबूतर जी हमारे घर में वापस आ चुका है, ये देखें जी माशाल्लाह से। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी मेहनत रंग ला चुकी है। तो उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि मादा लेकर आए, कबूतरी लेकर आए और कबूतर उसको देखकर आएगा। तो दोस्तों अब कबूतर की मैं कली निकाल लेता हूँ, ये ना हो कि कबूतर वापस उड़ के चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसका जो जोड़ा बना हुआ है जंगली कबूतरों के साथ भी बना हुआ है, इस वजह से कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब ये उड़ के चला जाए। तो इसकी कली दोस्तों मैं निकालता हूँ। तो जी इसकी अब कली हम निकालते हैं और ये है हमारा बेवफा कबूतर। बड़ा ये तंग कर रहा है मुझे आजकल दोस्तों, पिछले दिनों भी ऐसे उड़ के गया था, इसके लिए मैं एक से दो मादियां लेकर आया था। तो इसकी दोस्तों कली अब मैं निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी कली इसकी निकालना सही नहीं है क्योंकि अभी इसकी कली कच्ची हैं। फिलहाल दोस्तों हम इसको अभी मादा के साथ छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद इसकी इंशाल्लाह कली निकालेंगे हम। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में दियात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।